गौर से देखिए इस इंसान को, पहचान में आ रही है कौन है? अगर तुम हंस भी नहीं सकते हो अभी। हाँ, रुपया खींचेगा मतलब। आज संडे है और देखिए कितने अच्छे से इन्होंने अपने चेहरे को चमकाया है। ये है मेरा ब्यूटी सीक्रेट, ये मेरा मेरी स्किन कितनी गोरी हो गई, ये मेरा नेचुरल फेस है। भाई मारो मुझे, मारो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, संडे है आज और आज का मौसम इतना ज्यादा अच्छा है ना, जो बारिश हुई थी ना उसके बाद से ही बिल्कुल ऐसा लग रहा है मानिए फिर से विंटर आने वाला है। तो बहुत ज्यादा लेजी फील होता है, इसीलिए इतना लेजी फील होता है कि मैं आप सो करके उठी हूँ 9 बजे। अंगद मुझसे भी पहले उठ चुके थे, उसके बाद मैं उठी हूँ सो करके और अभी जस्ट हमने खाया नाश्ता। नाश्ता में खाया वही डोसा, मेरा फेवरेट। वीकेंड हो तो डोसा या इडली ऐसा कुछ अगर मिलता है तो मजा आता है, या फिर पनीर का पराठा, वो मेरा सेकंड सबसे फेवरेट है। और कुछ नहीं बनाने का मन करता है तभी मैं ऑमलेट ब्रेड या ऐसा कुछ बनाती हूँ। चमक उठे तुम एकदम लड़कों का। अच्छा, एक कुछ फेस पैक लगाया, फेस धोया और चेहरा पूरा चमक जाता है ना। बहुत मुझे बहुत जलन होती है कभी कभी तुमसे। मुझे तो अरे मेरा काफी टाइम के बाद ये क्लीन शेव वाला लुक भी आ रहा है। एक्चुअली अभी पिछली वीडियो से अभी आप देखेंगे तो पूरे चेंज लग रहे हैं अंगद। एक तो बाल छोटे हो गए, कट करवा लिया है, उसके शेप भी हो गया और अभी तो चेहरा भी चमक गया है। क्या बात है, एकदम अलग लगते हो। पता है मैं खुद देखती हूँ ना वीडियो में, नहीं रियल में भी बहुत अलग लगते हो। मतलब ऐसा लगता है कि आई एम लिविंग विद टू गाइस। नहीं नहीं नहीं, ओप्स। वन आवर लेटर, आज हमारे किचन में कुछ अलग हो रहा है। आज अंगद जी बना रहे हैं हमारे लिए लंच। क्या बन रहा है अंगद लंच में? मैं बना रहा हूँ फ्राइड राइस, पर एक अलग टाइप का फ्राइड राइस। मतलब इंग्रेडिएंट्स थोड़े डिफरेंट रहेंगे। हाँ, नॉर्मल मतलब क्या बोलते हैं, कैप्सिकम कैरेट वाला नहीं रहेगा। ओ, क्योंकि घर में कैप्सिकम कैरेट है। तो ये जो बन रहा है इसमें पड़ेगा मशरूम और ब्रोकली। तो बोलते हैं डॉगी सुसु, डॉगी सुसु बोलते कुकुरमुत्ता और ब्रोकली। ओ माय गॉड, इट वाज रियली अ बिग ब्रोकली और डॉगी सुसु। आज देती है मुझे छुट्टी, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, वही मंथली साइकिल, ऐसा कुछ खास नहीं, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा वीकनेस लग रहा था और मन कुछ भी नहीं कर रहा था। तो ऑलमोस्ट हम लोग डिसाइड कर ही रहे थे कि लंच हम लोग बाहर से मंगवा लेते हैं, लेकिन फिर हमारा रात को कहीं और जाने का प्लान है तो डिसाइड किया कि इसे से घर में बनाया जाए। तो फ्रिज में यही सब था तो अंगद ने कहा मैं भार उठाता हूँ और लंच बनाता हूँ। वैसे अंगद जोक सपाट जब भी जो भी बनाते हैं ना वो टेस्टी ही बनाते हैं। पहले तो पिज्जा बहुत ना अंगद, पहले कितना बनाते थे पिज्जा, अब तो खाना कर दिया है, पर ये बहुत टेस्टी बनता है। यही बात से मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ कि फ्राइड राइस भी बहुत टेस्टी बनेगा। बटर पॉलिश है ताकि बार-बार बनाए। नहीं नहीं नहीं, सच में अंगद अच्छा खाना बनाते, पर बनाते कम है और जो नॉर्मल सब्जी वगैरह होती है ना वो सब नहीं बना पाते अब तक। तो सब व्यूअर भी समझ चुके हैं क्योंकि चाय में मुझे इतना गाली पड़ता है कि मतलब समझ जाइए आपको तो पता ही होगा। नहीं नहीं नहीं, जनाब मैं क्या बताऊँ, चाय में तो करते हैं कभी कभी गड़बड़ होती है, अभी 2 दिन पहले भी गड़बड़ हुई थी। हाँ। लेकिन इन चीजों में थोड़ा सा ये कंसिस्टेंट है। अभी मैं ज्यादा तारीफ नहीं करूंगी वरना लगेगा कि सच में मैं तुमको, क्योंकि मैं ज्यादा गैप में बनाता हूँ ना तो तुम कंपेयर नहीं कर पाती हो, चाय तो रेली बनती है। अरे क्या बात है, ये तुम सही बोल रहे हो। एक्चुअली ये रीजन है, चाय रोज बनाते हैं तो मुझे पता रहता है कि आज का खराब बना है कल का अच्छा बना था, और ये तो एक महीने में कभी 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 कुछ बनाते हैं ना, एक महीने का तो गैप हो ही जाता होगा। हाँ, एक महीना का मतलब तो दाल बीच में कभी कभी सीजन कर देते हैं ये अगर फ्री है तो, पर हाँ बनाते कुछ भी नहीं। ये बात तो बिल्कुल सही है। और अभी तो कटिंग चॉपिंग चल रहा है पिछले आधे घंटे से, तो एक बार हो जाए। आधा घंटा हो चुका है बेटा, आधा घंटा हो चुका है। मैं शार लेकर आ गई, घड़ी में 2 बैटरी की जगह पे 5 लगा के रखी हुई है। मैंने शार ले लिया, मैं तैयार हो गई। जब तक मैं बाहर आई हूँ, उस समय जब गई थी तभी भी चॉपिंग चल रहा था, अभी भी चॉपिंग चल रहा है, और बीच में शायद उन्होंने राइस बनाया है, वो एक चीज है। हाँ, राइस बनाया है उन्होंने। तो ये रहा ब्रोकली, ये सब अंगद ने वॉश किया है। यस, सब कुछ वॉश्ड है, वॉश्ड क्लीन्ड एवरीथिंग। वेरी गुड, गुड जॉब। पिछले व्लॉग में जो हम लोग वो पॉटरी के शॉप में गए थे ना, तो बहुत लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि वो शॉप कहाँ है। तो वैसे तो मैंने मैक्सिमम लोगों को जवाब दे दिया है, वो एक लेक है आगरा लेक करके, आप सर्च कर लीजिएगा। तो आगरा लेक के ना जस्ट ऑपोजिट में आपको ना एक लेन आती है, उस लेन में कई सारे ऐसे मतलब पॉटरी शॉप्स हैं, बहुत सारे आपको नर्सरीज मिल जाएंगे।
तो जैसे आप टर्न लोगे ना, आपको फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट दुकान मिलेगी ना, वहीं पे हम लोग गए थे और बहुत सारे कलेक्शंस थे ना। इसके ऊपर थोड़े से स्टोन्स डालने हैं ताकि ये दिखे ना व्हाइट वाला पोर्शन, और थोड़ा सा वेट भी रहेगा ना तो ये गिरेगा नहीं। वैसे हैवी है पर मुझे डर लग रहा है कि कहीं बहुत तेज हवा है और ये गिर जाए तो टूट जाएगा, तो एक वो करना है मुझे, पर अच्छा लग रहा है। और इसके पत्ते भी मुझे खोलने हैं, इसके पत्ते मैंने अभी तक खोले नहीं है, इसको थोड़ा सा ना फैला देंगे अच्छे से। शेफ जी खाना कब मिलेगा? कॉर्न कर्नल्स हो गया, अच्छा ब्रोकली हो गया, मशरूम हो गया, ऑनियन कर रहा हूँ, बस हो गया इतना ही इंग्रेडिएंट्स। 15 मिनट्स लेटर क्या ढूंढ रहे हो अंगद? मैं 10 मिनट पहले गई तभी भी तुम इसी स्टेट में थे, मैं 10 मिनट बाद आए हो तुम उसी स्टेट में। सोच रहा हूँ सिर्फ ब्लैक पेपर है, चिली फ्लेक्स है मेरे पास, और सोया सॉस और चिली सॉस है। नहीं मतलब तुम ऐसे ढूंढ क्या रहे थे? I'm just seeing if I'm missing anything. अब इंडियन चीजें तो नहीं पड़ेगी ना, गरम मसाला और क्या बोलते हैं जीरा पाउडर वगैरह सब, तो और क्या मसाला डाल सकता हूँ मैं ये ढूंढ रहा हूँ। सॉसेस डाल दो, बस डाल दो, तुम बस बना दो कैसे भी, बना दो कैसे अच्छा बनेगा। ठीक है, डोंट वरी, ट्रस्ट मी। यस, इतना पॉज क्यों आ रहा है भाई? जिस तरीके से तुम ढूंढ रहे हो ना, थोड़ा अपना भी शक्ल दिखाओ ये यस बोलते हुए। मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसका यस कैसे आया। नहीं मैं कॉन्फिडेंट हूँ अच्छा बनेगा। नहीं दिख रहा है तुम्हारा शक्ल से, क्योंकि ना ये जो मशरूम है ना ये नो मैटर, अच्छा हाँ हमारे पास पनीर भी है, डालना चाहते हो? हाँ पनीर डाल सकते हैं। नहीं चलेगा, आई थिंक सो ये ठीक है, चलेगा श्योर। तो अब स्टार्ट कर सकते हैं आप, स्टार्ट करिए प्लीज, स्टार्ट करिए। हाँ यहाँ पे एक मैं बता दूं डिस्क्लेमर, हम हो गया रिफाइंड ऑयल तो आपको नीचे से लेना पड़ेगा, मैंने बॉटल वॉश कर दिया है। ठीक है तो ऐसा ना हो कि तुम मस्टर्ड ऑयल डाल दो, ये मस्टर्ड ऑयल है। नो आई नो दैट, यू नो दैट, यस। क्या बात है अंगद, इसको हाँ इसको साइड में तुम सौते करने लग जाओ, इससे क्या होगा ना कि तुम कैसा भी बना लो ना वो तुम्हारा टेस्ट इनहेंस कर देगा, पक्का कर देगा। मतलब थोड़ा ऊपर नीचे स्वाद, अगर इनके चांस नहीं है, चांस नहीं है पर अगर होता है, कॉन्फिडेंस भी नहीं है। चेंज हो गया है, जो यहाँ पे बैठता है वो खाना टेस्ट करता है, जो यहाँ पे बैठता है वो खाना बनाता है। एग्जैक्टली अभी यही बोलने वाली थी कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ क्योंकि मैं टेस्ट करने वाली हूँ, तो मुझे लग रहा है ये वो वाला प्लेस है जहाँ पे आपको बस खाना सर्व होता है और आप उस पर जजमेंट देते हो। yes. तो आज मैं एकदम वैसा ही फील कर रही हूँ, पर हाँ ये दिखता बहुत टेस्टी है, मतलब दिख ही रहा है बहुत इंटरेस्टिंग, इतने सारे कलर्स और उंदा अब बताएगा, पर टेस्ट सर्वोपरि, तो मैं टेस्ट करके बताऊंगी, टेस्ट करके बताओ ये कैसा लग रहा है। तो हाँ मैं पार्शियलिटी नहीं करूंगी, मैं कबाब के साथ टेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि कबाब ऑलरेडी टेस्टी है कि नहीं अंदर, सही बोला कि नहीं? हाँ वो तो बहुत ही टेस्टी है, तो उसके अलावा मैं टेस्ट करती हूँ। ठीक है, ब्रोकली मशरूम और कॉर्न कर्नल्स लेके चलो। ठीक है, थोड़ा स्ट्रगल हम कर रहे हैं, हाँ तो स्टार्ट करते हैं। कैसा है? बहुत टेस्टी है, यम्मी है, एक तो इतना परफेक्ट है ना, इसमें सारे स्पाइसेस और नमक और केचप और राइस भी अमेजिंग, एकदम खुला खुला बना, आप देखिए अंगत मानना पड़ेगा अच्छा बना है ना, बहुत अच्छा बनाया। तब तो अभी आने वाले 3-4 दिनों में सिर्फ तुम ही बनाओगे क्या? हाँ बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आज संडे था तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, ठीक है अदरवाइज तो मैनेज तो कर ही लेते हैं, बट इट्स वेरी टेस्टी, मैं बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ऑफिस से टाइम मिले तब तो बेचारे बनाएंगे, आप देखते हो ना वो एक, हाँ वो नहीं, मैं तो नहीं, मतलब रात को बना लूंगा, मैं डिपेंड नहीं करती हूँ क्योंकि आप डिपेंड करोगे पर कितना भी इंसान बिजी है तो करेगा कैसे, तो मैं कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और हाँ एक बता रहे ऐसे कभी कभी ये बनाते हैं तो वो मुझे स्पेशल भी लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा सा लगता है हाँ चलो ठीक है। एनी वेज बहुत टेस्टी, गर्मा गर्म मैं खाऊंगी, अब तुम भी तो खा के बताओ, मैंने तो बता दिया, खुद टेस्ट नहीं किया एक्चुअली। चलो फाइनल लुक, बहुत टेस्टी है ना, मैंने मजाक नहीं करी थी, बहुत अच्छा बना, बहुत ही अच्छा बना, बोलना पड़ रहा है थोड़ा। राधा जी,
गुड इवनिंग, चाय टाइम। शाम हो और चाय टाइम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब आज का व्लॉग बस यही होने वाला है, खाना खाना खाना, क्योंकि वीकेंड्स को हम लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं। साथ में हमने एक मूवी देखी अभी नेटफ्लिक्स पे, क्या नाम था अंगद? आई केयर फॉर यू समथिंग, मतलब ऐसा कुछ है, आप देखिएगा अगर आपको। बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, बहुत ही मतलब मजा आ गया, बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी। तो एक अच्छी मूवी या एक अच्छा सीरीज अगर आपको वीकेंड को मिल जाए ना, फिर उसके आगे पीछे आप बस भले कुछ ना भी कर रहे हो ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ वीकेंड अच्छा गुजरा है, मतलब फुल टाइम पास हो जाता है। तो मैं तो बहुत ढूंढती रहती हूँ, मुझे ना स्टोरीज जानने का बहुत शौक है। मतलब ऐसे कोई भी मूवी मुझे अपील नहीं करती है कि रैंडमली बहुत ज्यादा फन पार्ट है या बहुत ज्यादा थ्रिलर है, नहीं। एक ओवरऑल स्टोरी ऐसी होनी चाहिए जिसको आप देखना चाहते हैं, जिसको आप सुनना चाहते हैं, और आपके अंदर से आना चाहिए हर एक पार्ट में कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। ऐसी स्टोरी अगर मिल जाती है ना, या फिर ऐसा सीरीज कोई मिल जाता है, तो मुझे बहुत मन लग जाता है, लगता है हाँ ये वीकेंड अच्छा बीता है। और कुछ नहीं तो हाँ फ्रेंड्स तो है ही, पर आज वो मौका मिला नहीं, बहुत अच्छा था। देखिएगा नेटफ्लिक्स में अगर नहीं देखा है तो। मैं कभी कभी आप लोगों को रिकमेंड करती रहती हूँ, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं, मुझे पता है काफी लोगों का इनफैक्ट टेस्ट मेरे टेस्ट से मैच भी करता है, वो अच्छी बात है। तो ये वाला बहुत अच्छा है। और अभी क्या हो रहा होगा आप समझ ही सकते हैं, अंगद बना रहे हैं चाय। आज मुझे सही मामले में मैं बोलूंगी छुट्टी मिल गई है, क्योंकि सुबह बस नाश्ता ही बनाया था, उसके बाद से कुछ जरूरत पड़ी ही नहीं। तो अच्छा लगता है कभी कभी ऐसा दिन जाए। और हाँ, बात सही है कि अंगद को करने का भी मन है, ऐसा नहीं है कि हम फोर्सिंग हिम कि तुम बना दो। तो सामने वाला अगर आपको प्यार से खुद से बोलता है ना कि चलो आज मैं ये बना देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, और आपको भी अच्छा लगता है और दोनों को अच्छा लगता है, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को फोर्स कर रहे हो कि छुट्टी का दिन है भाई तुम फिर भी काम करो क्योंकि मैं पूरा वीक काम करती हूँ, नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो ये तो बात है। एनीवेज चलिए पीते हैं चाय। तो आज का मौसम मैं क्या बताऊँ, मैंने सुबह भी आपको बोला था, अभी मैं आपको बाहर का नजारा दिखाती हूँ। थोड़े थोड़े से बादल हैं और अभी तो हवा नहीं चल रही है, पर सुबह से काफी हवा चल रही थी और स्काई कितना सुंदर लग रहा है। शॉप में तो बहुत अच्छा से खोला था उन लोगों ने, पूरा फैला हुआ था। तो मैं बहुत देर बाद आपसे मिल रही हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं फिलहाल डिनर करने के लिए, तो आज बाहर जाने का प्रोग्राम बना है और बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह हम जा रहे हैं कुछ नया ट्राई करने के लिए। आई होप अच्छा लगे, और अच्छा लगेगा तो आपके साथ भी बताएंगे, शेयर करेंगे। गज्जी भी तैयार हो गए हैं और बादल अभी भी गरज रहे, मतलब हो सकती है बारिश हो। लेट्स सी, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ थोड़ा ओपन स्पेस है, तो अगर बारिश हुई तो दिक्कत हो सकती है, जो भी है देखेंगे। चले चलो, अच्छी हवा चल रही है यार, पक्का बारिश होगी। और अगर वहाँ पे अंदर बैठने का कुछ मिला नहीं ना, तो हमारा प्लान चौपट होगा। अब ये मैच नहीं करेगा अंकल, ये शूज नहीं। इस पे कोई तुम बेज कलर का पहन लो या कुछ वैसा पहन लो। इन्होंने पहनी है एक लाइट ग्रीन कलर की शर्ट, और जो इनका शूज था वो कुछ ज्यादा ही अलग कलर का था। हाँ, दिस विल गो बेटर। अभी भी आपको खाना खाने के लिए बाहर जाना हो ना, तो हमने तो ये ट्रिक अपना ली है कि भूख लगने से एक घंटे पहले निकल जाना चाहिए। जैसे हमें पता है कि हमें 8:30 तक भूख लग जाएगा, तो हम आराम से 7:15 तक निकल जाते हैं। पहले हम ये फॉलो नहीं करते थे, तो क्या होता था कि जो टाइम है खाना खाने का उससे 15 मिनट पहले निकलेंगे, फिर ट्रैफिक में फंसेंगे और इतनी ज्यादा भूख लग जाती है कि आप इम्पेशेंट हो जाते हो। एक तो सोच करके कि खाना जाना है, भूख ऑटोमेटिकली लग जाती है, और ऊपर से ट्रैफिक आपको और इम्पेशेंट कर देता है। तो इसीलिए हमने ये देख लिया, ये फॉलो करना ही चाहिए। तो स्पेशली ऐसे रात को अगर आपको जाना हो ना, इसलिए बहुत बार ना हम लंच पे चले जाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना दोपहर को थोड़ा खाली रहता है, रात को ट्रैफिक ज्यादा होती है वीकेंड्स को। बहुत दिनों बाद पता है रात में कहीं खाने जा रहे हैं ना, आई थिंक लॉकडाउन के बाद कभी भी रात को निकले नहीं है डिनर वगैरह के लिए, हमेशा हम लोग लंच पे ही निकले हैं या कुछ काम की वजह से कहीं पे खा लिया बाहर। हाँ, वैसे ही क्या है, पर एज अ प्रॉपर डिनर नाइट करके तो नहीं गए ही नहीं है, क्योंकि हाँ सच में नहीं गए। ओके, तो हम लोग कहाँ आए हैं मैं बता देती हूँ, इनकेस आप बैंगलोर में रहते हो तो। हम लोग आए हुए हैं ब्रॉडवे, ये इसके बहुत सारे और भी है ना आउटलेट्स बैंगलोर में, नॉट श्योर। अच्छा ठीक है, तो हम लोग ये HSR वाले में आए हुए हैं, और हम लोग आए हैं जापानीज फूड ट्राई करने।
सो ब्रॉडवे के पास इट्स ऑल जैपनीज क्यूजिन ओनली है ना, और कोई क्यूजिन नहीं है. तो हम लोगों ने कभी भी जैपनीज नहीं ट्राई किया है एंड आज हम दोनों का मन है तो हम पहली बार ट्राई करने जा रहे हैं. शायद अच्छा लगे ना लगे पता नहीं, जो भी होगा बताएंगे. आप लोगों में से किन किन लोगों ने जैपनीज फूड ट्राई किया और पसंद है मुझे कमेंट करके बताइए. हमारा एक्सपीरियंस तो हम आपको बताने जा रहे हैं. चलिए फर्स्ट टाइम है हमारा जैपनीज ट्राई करना. चलिए बताते हैं अपना ऑनेस्ट रिव्यूज की कैसा लगा. तो हमने दो टाइप की सुशी मंगाई थी, ठीक है, जिसमें से एक थोड़ी स्पाइसी थी एक कम स्पाइसी थी. हाँ. तो जो ज्यादा वाली स्पाइसी थी वो मुझे ज्यादा पसंद आई, अच्छा लगा. हाँ, है ना. थोड़ा, हाँ. और उसमें जो सी वीड को वो लोग एक्चुअली रोल करते हैं ना, जो ब्लैक पोर्शन था ना वो सी वीड होता है, तो वो मुझे बहुत टेस्टी लगा. थोड़ा सा वो स्टिकी था और जो स्टिकी राइस था, मतलब सुशी में बेसिकली स्टिकी राइस, और वो बहुत टेस्टी था, बहुत स्वीट था. और उसमें फिश था, तो अलग अलग टाइप के फिश आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं. तो वो मंगवाया. फिर हमने मंगवाया जापानीज सूप, जो कि था मानचाओ पर जापानीज सूप था, एंड विच वाज वेरी डिफरेंट ना चाइनीज से. हाँ, काफी डिफरेंट था, बहुत टेस्टी, उसमें बहुत ही टेस्टी था. और फिर मंगाया हमने यामेन, मतलब नूडल्स मंगवाया. तो जापानीज नूडल्स जो था ना वो थोड़ा सा मोटा था, जो कि चाइनीज में पतला होता है, एंड उसमें ब्रोकली थी और लेट्यूस था और ये सब चीजें थी, एंड विच वॉज वेरी टेस्टी. मतलब मुझे उसका चिकन भी अच्छा लगा और बहुत ही स्पॉन्जी नूडल्स था उसका, बहुत अलग शेप था, एंड इट वाज वेरी नाइस. तो वो भी बहुत टेस्टी लगा. हमने बस ये तीन चीजें ही मंगवाई, राइट. और हमें पड़ा कुछ 1400 रुपीज. तो 1400 रुपीज में दो लोगों ने जम के खाया, मतलब बाद में तो कुछ ज्यादा ही हो गया था हैवी. और ऑप्शंस और भी है, मॉकटेल्स वगैरह भी था, और इनके पास एक और मेन्यू भी है जहाँ पे आप. सबसे अच्छा चीज मुझे ये लगा, इस कंजूस से पैसे निकले फाइनली. इस बारी इस कंजूस ने अपनी जेब खोली है, मेरी खोली है. मतलब ये जब मैं आई थी तो मुझे लग रहा था डेट है, पर बाद में मुझे वहाँ जाके पता चला कि हे, ये पेमेंट तुम करने वाली हो. हाउ एक्साइटिंग इज दैट. ओके, हाँ मैं कार्ड लाई हूँ. तो पेमेंट मैंने की. इनके पास एक और मेन्यू भी है, मतलब अगर आपको जापानीज नहीं खाना है तो एक और है, मतलब कॉन्टिनेंटल है, इंडियन है, और भी साउथ एशियन फूड्स मिल जाएगा. एंड ओवरऑल एम्बियंस भी अच्छा है. हम तुम बाहर बैठे हुए थे, ठंड लग रही थी पर मजा आया. तो ओवरऑल मैं बोलूंगी अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरा मूड भी अच्छा हो गया. तो थैंक यू. ये इन्होंने सजेस्ट किया था कि यहाँ आते हैं. बैंगलोर में कई सारे जापानीज रेस्टोरेंट हैं, एमजी रोड वगैरह पे भी है. तो ये ट्राई किया है, अच्छा लगा है, तो शायद नेक्स्ट और भी कहीं एक्सप्लोर करें. पर मेरे लिए ये अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे सुशी बहुत अच्छा लगा. मैंने सिर्फ देखा था सुशी, कभी ट्राई नहीं किया था. इट्स अ गुड एक्सपीरियंस. तो कभी आपने ट्राई नहीं किया है तो ट्राई करिए, और किया है तो मुझे बताइए आपको कैसा अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता है आपको जापानीज में. और कुछ स्पेशल ऐसा है जो आप चाहते हो हम ट्राई करें तो नेक्स्ट हम जरूर ट्राई करेंगे. तो चलिए इसी के साथ आज का मैं ये ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ, और आशा करती हूँ ये संडे आपको हमारे साथ बिता करके अच्छा लगा हो. तो मिलते हैं अगली बार. बाय बाय. कभी ना हलाली मेरी मुजारा है, तभी चमक रहे हो तुम. और आज खाना अच्छे से पचेगा मेरा. ऊपर से मुझे कह रहे थे काम करो ना, अभी जापानीज तो हो गया, आप थोड़ा इंडियन करते हैं, पान खिलाओ ना बाहर निकल. मैंने कहा नहीं है कैश मेरे पास, चलो वो कार्ड नहीं लेगा. बहुत बहुत चंट है तुम. मस्त थाली, मस्त होश की रूह.